पीवीपी मंडी इकाई के मीडिया प्रमुख दीक्षित पठानिया का मानना है कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा रूसा सिस्टम छात्रों पर जबरदस्ती थोपा गया। रूसा सिस्टम के चलते साइंस से जुड़े विद्यार्थी खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। दीक्षित पठानिया ने कहा कि रूसा एक विस्तृत कार्यक्रम है और इसमें सेमेस्टर सिस्टम को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है रूसा सिस्टम का जो है विरोध शुरू से ही कर रही है, जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो है बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है। तो इसका जो है हम शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस सरकार के द्वारा छात्रों के जो अधिकार छीने गए हैं, जो छात्र संघ चुनाव बंद किए गए हैं, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, इससे जो है बच्चों में भारी दिक्कतों का सामना जो है बच्चों को करना पड़ रहा है। जो कॉलेज के साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं वो इसके कारण किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं ले पा रहे हैं, ना उस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ले रहे हैं, ना कल्चरल एक्टिविटी में। हम तो ऐसा कहते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जो है बंद होना चाहिए। रूसा तो एक कार्यक्रम है, इसका जो मूल जड़ है ये है सेमेस्टर सिस्टम। हम चाहते हैं कि इस सेमेस्टर सिस्टम को बंद किया जाए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है शुरू से इसका विरोध कर रही है। जो NSU है, ये जब कांग्रेस सरकार के द्वारा ये लागू किया गया उस समय ये चुप थे, लेकिन जब पूर्व की जो अब जयराम सरकार आई है तो इसका विरोध कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जयराम सरकार आई है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हम भी इसमें सरकार का जो है घेराव करेंगे।